हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिखा गया है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। ठीक है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2, और कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कास 60 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर देखिए √3 × √3 3/4 प्लस 1/2 × 1/2 1/4। तो फाइनली कितना, 4/4 = 1। तो यहाँ पर हम लोग यह वैल्यू जो है निकाल पाए। इसके लिए देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनकी वैल्यू 30, 60, 45, 0, 90, इन सब के लिए निकालना हम लोग सीखा है और उसके लर्न किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ कहा गया 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 तो 2, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 3/4, और √3 का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो 3 हो जाएगा / 4। तो 3/4 − 3/4 कैंसिल हो गया, यह 2। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल पाए कितना, 2। थर्ड पार्ट देखते हैं। कास 45 अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू देखिए कितनी होती है 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो 1/√2, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे √3, तो यह हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा √3/√2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो √3/√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। अब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, देखिए √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशनलाइजेशन हो जाएगा, और साथ में 1 − √3 से ऊपर और 1 − √3 से नीचे। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 × √2 है तो ये √6 हो जाएगा, और नीचे देखिए √2 × √2 2, और ये 2 4 हो जाएगा। और देखिए बाकी क्या होगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 1 − √3, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा a − b a + b, तो 1 का स्क्वायर − √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए √6 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए √6 − √18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 − 3 − 2, तो −8। आप इसको आगे पीछे कर लीजिए, माइनस एडजस्ट हो जाएगा √18 − √6/8। ठीक है, आप √18 को लिख सकते हैं 3√2 − √6/8। तो हम लोग देखिए ये जो वैल्यू है वह निकाल पाए, किसकी वैल्यू, cos 45 डिग्री / sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि tan A + B = √3 और tan A − B = 1/√3, और हम लोग को वैल्यू निकालना है A और B की। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री। तो आप पहले ये देखिए कि टेन में किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है। तो यहाँ देखिए एक्यूट एंगल के लिए टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है। इसका मतलब ये जो लिखा गया है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री रही होगी। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए टेन ए प्लस बी और रूट थ्री है, और हम लोग जान रहे हैं कि टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री रहा होगा। दूसरा देखिए गिवन है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। अब देखिए टेन में 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री होती है ना। तो यहाँ पर हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग के पास दो लीनियर इक्वेशन हो गए, पहला ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा इक्वेशन हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए ए ए टू ए और बी कैंसिल हो गया और 60 प्लस 30 90 हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब जो ए की वैल्यू है आप वन में या टू में रख दीजिए, पुट इन वन, तो वन में जब पुट करेंगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से हम लोग ए की वैल्यू निकालें 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री। और भी क्वेश्चन आप जो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हैं वैल्यूज़ के तो आप लगा सकते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।